हेलो दोस्तों, आज हम आपको विंग्स एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में सीक्वेंस कैसे लगाते हैं इसका तरीका बताएंगे। दोस्तों, आपने साड़ियों में, दुपट्टों में कई बार गोल गोल कलर की बिंदी, चमकीली सी बिंदी देखी होगी जिसके अंदर में सेंटर में होल होता है और वो एक धागे से एक दूसरे में पिरोई होती हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा दोस्तों, वो कैसे हम कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन से लगा सकते हैं। मशीन से, मैनुअल मशीन से भी लगती हैं, हाथ से भी लगती हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड चल गया है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का, जो पीछे बहुत दिनों से काम हो रहा है उसके ऊपर में। डिज़ाइनरों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यदि किसी डिज़ाइनर को सीक्वेंस का डिज़ाइन बनाना आता है तो उसे अच्छे पैसे, जो उसके ऑनर होते हैं एम्ब्रॉयडरी एक्सपोर्ट हाउसेस के और एम्ब्रॉयडरी जॉब वर्क के, वो अच्छा पैसा उसको दे देते हैं जिसको सीक्वेंस का काम भी आता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। दूसरा दोस्तों, कई दिनों से हमको कई कमेंट्स आए हुए हैं कि सर, स्टाइल पैटर्न या टेम्पलेट हम कैसे सेट करें। तो मैं इसमें, अगर यदि इस वीडियो को वो देखेंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। जैसे न्यू में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों टेम्पलेट दी हुई है, इसके अंदर टेम्पलेट नन अगर दी होती है तो इसमें केवल 5 स्टाइल यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्टाइल व्यू के अंदर, स्टाइल मतलब मोटिव, 5 मोटिव दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस स्टाइल ब्लैक डॉट एन जी एस कर देता हूँ तो बैकग्राउंड जो है ब्लैक कलर का आ जाता है और सीक्वेंस उसके अंदर में, उसके स्टाइल पैटर्न के सीक्वेंस आ जाते हैं। इसी तरह से वाइट कर देंगे तो बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा और स्टाइल पैटर्न उसके साथ में आ जाएगा। इसी तरह से स्टाइल पैटर्न सीक्वेंस पैटर्न आ जाएगा। अगर हम स्टाइल पैटर्न अगर उसमें करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और स्टाइल पैटर्न आ जाएंगे। 350 स्टाइल यानी 350 मोटिव ऑटोमेटिकली बने होते हैं उसके अंदर, जिनको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आज हम इसमें डिज़ाइन बनाते हैं सीक्वेंस का। और यहाँ पे मैं आपको स्टाइल पैटर्न दिखा रहा हूँ कि उससे आपको ये भी पता लगेगा 350 पैटर्न कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इसको एक बार बना के। मैंने इसमें स्टाइल पैटर्न किया, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट किया, ये हमें इमेज बनानी है, मैंने सिलेक्ट किए, ओके किया। आज हम सीक्वेंस का आपको डिज़ाइन दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम हरे रंग की पत्तियाँ, ग्रीन कलर में पत्तियाँ बनाएंगे, जो आर्ट बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, बड़ा आसान सा तरीका होता है। हम F3 यानी रनिंग से हम इसमें कोई भी डिज़ाइन को बनाते हैं, यहाँ से बनाते जाएंगे। इसको यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं शिफ्ट दबा कर, यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया क्योंकि ये किसी आर्टिस्ट ने डिज़ाइन बनाया हुआ है दोस्तों, हम उसी के ऊपर इसकी कॉपी करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से F3 का हमने डिज़ाइन बनाया, पहले हमने रनिंग से इसको पूरा रेडी कर दिया। चाहे तो रनिंग से बना के साथ साथ में भी चला सकते हैं दोस्तों, मैं केवल अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये काम। जैसा कि मैंने एक पत्ती, एक लीफ पूरी कंप्लीट किया है दोस्तों मैंने यहाँ पर। अब ये एक रनिंग का टांका मार दिया F3 से। हमें सीक्वेंस कितने mm का लगाना है, दो तरह तीन तरह का सीक्वेंस मोस्टली मार्केट में चलते हैं, 4 mm, 3 mm और 5 mm। तो मैं यहाँ पर अभी आपको 3 mm का सीक्वेंस दिखा रहा हूँ दोस्तों बना के। यहाँ मैंने पहले स्टाइल में गया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल बहुत सारा के स्टाइल दिए हुए दोस्तों, आप देख सकते हैं। सॉरी, बहुत तरह के स्टाइल देखे हुए दोस्तों इसके अंदर में, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइल, तकरीबन 350-400 स्टाइल, यहाँ 350 स्टाइल दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम आज स्टाइल में काम नहीं कर रहे हैं, हम इसके सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। तो आज हम पहले इसको सीक्वेंस में बनाएंगे दोस्तों। तो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लिया मैंने कंट्रोल एक्स, और मैं न्यू पेज बनाता हूँ दोबारा से, जिसमें मैं 5 सीक्वेंस दिखाऊंगा आपको। नन कैसे पता लगेगा कहाँ नन होता है, तो मैं इसको उन जिनके क्वेश्चन आ रहे थे उनके क्वेश्चन भी मैं साथ साथ में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। न्यू करेंगे, यहाँ पे मैंने नन कर दिया, नन का मतलब केवल 5 स्टाइल यहाँ पर आएंगे और मैंने इमेज को वही ले लिए, वही इमेज मैंने यहाँ ले लिए, ओके किया दोस्तों, वही इमेज हमारी वापस खुल गई और जो हमने कट किया था उसे हमने पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने ये स्टाइल दिया, हमें ग्रीन कलर का बनाना है या ग्रीन कलर का हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या ग्रीन कलर का हम यहाँ पे पत्ती देना चाहते हैं, तो हमने लीफ को ग्रीन कलर से बनाया। अब
सीक्वेंस जो है दोस्तों, मैं यहाँ 3 mm का लगाने जा रहा हूँ। 3 mm का मतलब एक दूसरे टच अगर हम चलाते हैं 3 mm का टच चलेगा, और मैं ओवरलैप करना चाहता हूँ तो 2.2.1 2.3 तक का हम डिज़ाइन यहाँ पर लेके चलते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 2. क्योंकि 3 mm का आधा होता है यानी कि वो सेंटर में होल होता है दोस्तों, तो सेंटर में होल का मीनिंग हुआ कि वो सीक्वेंस जो है सेंटर होल पर लगा हुआ है, और 3 mm का है तो उसके होल के सेंटर से आधा लेफ़्ट और आधा राइट में 1.5 mm का डिस्टेंस है। तो यहाँ हमने 2.2 रखने का मीनिंग ये है, 2.12 या 2.2 का या 2 रखने का मीनिंग ये है कि 5 mm का 0.5 mm का उसमें लूज रहे वो, और वो आराम से उसमें सीक्वेंस फिट हो पाए। और सीक्वेंस के डिज़ाइन में हम कोशिश करते हैं फिक्स एंड लॉक ना लगे, मैनुअली देखे हम इसमें लगाते हैं लॉक। ये मैंने नॉन कर दिया, सारे टाँके मैंने इक्वल कर दिए, यहाँ सेलेक्ट करके मैंने सारे टाँके जो हैं स्टाइल में इक्वल कर दिया दोस्तों, इंक्लाइन को यस कर दिया, तो सारे टाँके अपने बराबर आएंगे इसके अंदर। अब मैं यहाँ स्टाइल में सीक्वेंस का स्टाइल बना रहा हूँ नॉर्मल वे में, हैंगिंग सीक्वेंस के अंदर जो एक दूसरे पे हम बनाते हैं और हाथ मारने पे वो सीक्वेंस पलट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यू किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैंने एक टाँका ऊपर मारा स्टाइल में, एक टाँका नीचे मारा। ये स्टाइल मैं आपको बता चुका हूँ, आप स्टाइल वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे बनाया। तो पहला टाँका ये है, मशीन यहाँ से जाएगी आगे फिर पीछे आएगी, पीछे आके हमने इसको सीक्वेंस को ड्रॉप कर दिया दोस्तों। सीक्वेंस को उठा के मैंने एक सीक्वेंस इसके ऊपर में रख दिया और इस टाँके को मैंने इसके ऊपर में रख दिया, तो ये हैंगिंग का स्टाइल बन गया दोस्तों। इसमें क्या होता है, मशीन अपने आप इस डिज़ाइन को हैंग करके यानी कि पलट जाएगी, पलट के बनाएगी। और मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर देखिए 5 स्टाइल पहले दिए थे, 5वां स्टाइल ये हो गया, 4 स्टाइल पहले दिए थे, एक नन दिया हुआ है नो, तो आप इसको नो करके इसको ओके करके आप इसका नाम भी रख सकते हैं। मैंने इसको कर दिया हैंगिंग 1, मैंने एक ही डाल दिया। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने डाला था इसमें मैंने इसको अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं पी दबाएंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा सीक्वेंस। अब इसका मैं स्टाइल जो हमने पीछे स्कैनिंग इमेज हाइड कर दी है, मैं उसको चाहता हूँ कि दिखाई दे साथ में, तो मैंने बैकग्राउंड में गया 3D व्यू किया तो साथ में स्कैनिंग इमेज के साथ में डिज़ाइन खुल गया। अब मैं यहाँ पर स्टाइल में जाने, यहाँ पर जाने कलर में जाने के बाद राइट एंड शेड का माउस बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे सीक्वेंस शेप एंड साइज आएगा। दो तरह के सीक्वेंस भी इसमें लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक मैंने लगाया, मैं इसको दो करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाए। स्टाइल में गए, एडिट में गए, यहाँ मैंने एक बनाया था इसको मैंने कॉपी फ्रेम कर दिया, और यहाँ से कीबोर्ड पर एरो जो होते हैं उससे चल के गए यहाँ इसमें, इस जगह पर देखिए दोस्तों इस पॉइंट पर, जैसे मैंने एरो दबाया तो दूसरा पॉइंट यहाँ चला गया और यहाँ अभी भी सीक्वेंस कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, फिर दोबारा दबाया तो सीक्वेंस लिखा हुआ आ रहा, तो आपको पता लग गया यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 लगा हुआ है, ये सीक्वेंस नंबर। यहाँ मैं सीक्वेंस नंबर 2 लगा देता हूँ दोस्तों, मैंने 2 लगा दिया और सेव कर दिया दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर दो सीक्वेंस लग के चलें, तो दो सीक्वेंस लग के चल रहे हैं। और अब मैं इसके कलर भी चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने राइट एंड शेड का माउस बटन दबाया तो यहाँ से पहला कलर मुझे डार्क ग्रीन चाहिए, मैंने वो कर दिया। दूसरा कलर और मैं लगाना चाहता हूँ वहाँ पे 3 mm के सीक्वेंस, तो 3 mm मैंने छोटे होल वाले 3 mm सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से भी छोटा सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से इसका मैंने कलर कर दिया ब्लू दोस्तों, जिससे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने इस तरह कर दिया, तो अभी 5 mm की लेंथ है और 3 mm का सीक्वेंस लगा हुआ दोस्तों। तो हमने इसको क्या किया 2.1 पे कर दिया, तो एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस चढ़ता हुआ लगने लग गया दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो पहला मैंने ये पत्ती का अंदर का हिस्सा बनाया, इसे ग्रीन भी कर सकते थे और भी कलर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मुझे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक F2 से आ रहा हूँ मैं, या सीधा F3 से भी आ सकते हैं। यहाँ मैं गया ये मैंने ऊपर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐड करना है कोई पार्ट, तो ऐड सेक्शन किया, इस पार्ट को मैंने यहाँ कर दिया, इस पार्ट को मैंने यहाँ कर दिया, इस पार्ट को मैंने यहाँ कर दिया, इस पार्ट को मैंने दोस्तों थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं हम अपने हिसाब से, थोड़ा सा सेम हम उस पे आर्ट पे नहीं बना रहे, थोड़ा सा हम इसको अलग कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं। फिर दोबारा ऐड सेक्शन किया दोस्तों, ये अपने आप में इनके अपने आप मेरा देखो रूट बनता जा रहा है, मैं जोड़ता जा रहा हूँ इस पार्ट को।
देख रहे हैं दोस्तों, अब इसका मैंने स्टार्ट एंड पॉइंट यहीं पे नीचे, स्टार्ट भी नीचे कर दिया यहाँ पर और एंड भी मैंने यहाँ कर दिया। आप देख रहे हैं सीक्वेंस का स्टाइल बन गया ये। अभी मैं इधर से रन करके इस वाले पत्ती में आऊँगा, ये वाली पत्ती बनाऊँगा दोस्तों सेम उसी चीज़ से। F3 मैंने प्रेस किया यहाँ से और इसके अंदर ही मैं यहाँ चल के F2 से F3 से मैं यहाँ पे इस पत्ती के अंदर यहाँ पर आ गया। लेकिन सीक्वेंस मुझे यहाँ नहीं लगाने है वाले, तो मैंने यहाँ पर इसके सीक्वेंस को नन कर दूंगा, ये नॉर्मल रन हो जाएगा। अब फिर दोबारा से मैं इस लीव को बनाऊंगा दोस्तों। F3 मैंने प्रेस किया, अब देख रहे हैं दोस्तों मैंने इसको रनिंग रनिंग से पूरा डिज़ाइन यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से मैंने दोबारा इस स्टाइल को सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया दोस्तों, और इसकी प्रॉपर्टी मैंने वही कर दी 2.1, और इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा दोस्तों। अब मुझे मालूम है मेरे को यहाँ से एक एंट्री करनी है, और या इधर से रनिंग करके F2 से मैं रनिंग करता हुआ छोटा टाँका मारता हुआ यहाँ जाके मैंने छोड़ दिया। अब मैं सीधा डायरेक्टली इसको ही लेता हूँ, F3 मैंने प्रेस किया, डायरेक्टली भी मैं इसको डायरेक्ट भी पंच कर सकता हूँ दोस्तों, एक एक करके हम सीधा डायरेक्ट पॉइंट में बिना छोड़े। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड का माउस का बटन दबाता हूँ और शिफ्ट दबाकर मैं इस पॉइंट को जोड़ता हूँ, इसी तरह से इस पॉइंट को जोड़ता हूँ, पॉइंट को जोड़ता हूँ दोस्तों। एड सेक्शन किया दोस्तों मैंने दोबारा से, जो छूट गया था मेरा पार्ट में उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मैंने दोस्तों बना दिया, कंप्लीट किया और इसका एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया। और जैसे अभी इसमें देखेंगे बाकी सब जगह धागा अंदर नज़र आ रहा है, इसका ऊपर से नज़र आ रहा है, तो दोस्तों ये ऊपर स्टिच आ जाएगा इसके, तो ये ऊपर ना आए तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर मैंने F2 लिया यहाँ से, F2 या F3 भी ले सकते हैं, F3 लेता हूँ मैं यहाँ से, इसमें मैं इस लीव तक आ गया और यहाँ पे मुझे सीक्वेंस नहीं चाहिए तो मैंने सीक्वेंस हटा दिए, नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने यहाँ से भी F3 से दोस्तों ये पूरा कंप्लीट किया डिज़ाइन। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, एक एक करके आप पॉइंट्स मारते जाइए इसके ऊपर में।
ये दोस्तों एक जंप आ गई है इसके अंदर में, उस जंप को हम जब कंट्रोल ए करेंगे तो वो जंप भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये मैं जैसे एड सेक्शन कर रहा हूँ, जब हम इसको कंट्रोल जे कर देंगे तो सारी जंप अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगी दोस्तों। ऐड सेक्शन किया मैंने इस पार्ट को यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसका एग्ज़िट पॉइंट जो है, एग्ज़िट पॉइंट यहाँ से लिया और यहाँ मैंने कर दिया, और यहाँ से फिर दोबारा से मैंने सीक्वेंस को ओके कर दिया, और यहाँ पर लेंथ जो है 2.12 करके मैंने इसको फिट कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आगे की लीव्स में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद ये हम फ्लावर बनाएंगे दोस्तों। अब जैसे मुझे मालूम है मुझे यहाँ से आगे जाना है, या मैं आगे से इसमें इधर से भी जा सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने क्या किया F3 लिया और इस पॉइंट से कंप्लीट करता हुआ निकल रहा हूँ दोस्तों। मैं रूटिंग बनाता जा रहा हूँ जिससे कि हमारी मशीन को कोई परेशानी ना हो, सीधा सीधा मशीन चलते हुए इस पॉइंट पे पहुँच जाए। अब मुझे यहाँ पर सीक्वेंस नहीं चाहिए, इसको नन कर देंगे, सीक्वेंस बंद हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में मैंने इस लीव को भी बनाया, F3 प्रेस किया, कंट्रोल जे करने पर। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, आप मिला दिया और यहाँ से इसकी लेंथ जो है 2.12 कर दी, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए और आराम से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीक्वेंस का दूसरा स्टाइल हो गया। यहाँ से मैंने इधर, और अब मुझे स्लीव में आना है, तो मैंने F3 प्रेस किया और सीधा सीक्वेंस हटाने हैं मेरे को, नो कर दिया मैंने। अब यहाँ से F3 प्रेस किया, पहले हम अंदर का हिस्से बना लेते हैं, इस बार बाहर का हिस्सा बना लेंगे। इसका स्टार्ट पॉइंट भी मैंने यहाँ रखा और एंड पॉइंट भी यहाँ रखा, और यहाँ से जो सीक्वेंस स्टाइल बनाया था वो डाल के उसकी लेंथ हमने सेट कर दी 2.12। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बना रहे हैं हम साइड्स का F3। ये ट्विन सीक्वेंस बनाया दोस्तों, सिंगल सीक्वेंस में भी आप इसको बना सकते हैं अपनी मर्जी से।
ये देख पा रहे हैं दोस्तों आपने, मैंने इसको भी इसको पूरा कंप्लीट किया। हमने पहले ये बनाया था इसके लिए, अब यहाँ से मशीन यहाँ बना रही है, इसके लिए जंप ले रही है। हमने इसको F2 से लेके इसको सिलेक्ट करके यहाँ पॉइंट मार दिए, तो ये अंदर ही अंदर हो गया टाँका। देखिए दोस्तों पहली लीस ये बन गई। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, दूसरा कलर लेने जा रहे हैं। हमने दूसरा कलर यहाँ से ये वाला ले लिया, और यहाँ पर सीक्वेंस बनाए मैंने, सीक्वेंस का स्टाइल दूसरा बना रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों। F3 प्रेस किया, यहाँ पे स्टाइल किया, यहाँ पे हैंगिंग सीक्वेंस किया, मैं दूसरा कोई सीक्वेंस बना रहा हूँ। यहाँ पे हम छोटा सीक्वेंस लगाएंगे दोस्तों, ये हमने एक स्टाइल बना दिया। ये एक स्टाइल बना दिया दोस्तों, इसके बीच में मुझे सीक्वेंस चाहिए। इसका स्टाइल कुछ भी तरीके का मैं बना सकता हूँ, फिलहाल मैं आपको ये नॉर्मल सा स्टाइल दिखा रहा हूँ, या मैं कुछ और बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस का स्टाइल दूसरा टाइप का दिखा रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस का स्टाइल हम बनाते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर में सीक्वेंस लग जाएंगे और बाहर की तरफ में फ्लावर्स भी लग जाएंगे। इस टाइप का कोई डिज़ाइन हमको बना के दिखाते हैं दोस्तों, ऑन स्क्रीन बनाते हैं, जिससे कि आप भी देख पाएँ कि मैं क्या बना क्या कर रहा हूँ। यहाँ मैंने F3 प्रेस किया, S प्रेस किया, यहाँ से मैंने पॉलीगन लिया, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉलीगन बनाता हूँ 13 पॉइंट का मैंने पॉलीगन बना रहा हूँ, और यहाँ मैंने एक छोटा सा पॉलीगन बनाया। इसका सीक्वेंस दोस्तों मैंने बंद कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हम यहाँ पर एक मोटिव स्टाइल बनाने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसका साइज़ अभी 38 mm है, इसको मैं लेके जा रहा हूँ छोटा, क्योंकि 5 mm का हम सीक्वेंस फिट करेंगे इसके अंदर में, तो 8-9 mm का मैं इसको बनाऊंगा। 10 mm नीचे देख रहे हैं साइज़ आ रहा है, इसको 8-8.5 mm का बना दिया दोस्तों मैंने। इसको मैंने इसमें करके स्टाइल एडिटर में ले गया, और यहाँ से एस दबाने के बाद में मेरे को नॉर्मल ये चीज़ नज़र आएगी, आपको सीक्वेंस वो धागा नज़र नहीं आएगा एस दबाने पर। जब दोस्तों हमने नोड एडिटर दबा रखा होता, अगर हम एस प्रेस करेंगे तो इसमें धागा नज़र आएगा, और एस नहीं प्रेस करेंगे तो नॉर्मल इसमें नोड ही नोड नज़र आएंगे दोस्तों। यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया दोस्तों, मुझे यहाँ से डिज़ाइन बनाना है। मैं इसके सेंटर में आता हूँ, पहले सेंटर में आया, फिर मैंने इस पॉइंट को लिया, और अब मैं इसके अंदर में एक स्टाइल बना रहा हूँ दोस्तों। इस पॉइंट पर जाकर मैंने वापस इसको छोड़ दिया, और नीचे वाले स्टिचेस को जो हमने बनाया था उसे मैंने डिलीट मार दिया यहाँ से, तो ये स्टाइल रह गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर इसको स्टाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड का मास्क बटन दबाया मैंने यहाँ पर, इसका आप देख भी सकते हैं इसमें कोई स्टिचेस वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा प्रीव्यू दबाने पर, बिल्कुल एक सेंटर में स्टिचेस नज़र आ रहा है और बाकी इधर आ रहा है। तो मैंने इसको स्टाइल बना दिया, एक स्टाइल बनाकर राइट हैंड साइड का मास्क बटन दबाया, और यहाँ पर 2 स्टाइल किया, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो स्टाइल आ गया। अब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ F3 के अंदर, यानी रनिंग के अंदर। रनिंग में हम इसमें यहाँ पर स्टाइल में गए, इसको इसमें सिलेक्ट किया, और यहाँ पे दोबारा से इसको एडिट कर दिया। एडिट करने पे देखा मैंने इसके सेंटर में मुझे इसके सीक्वेंस लगाना, मैंने सेंटर में 5 mm का सीक्वेंस अप्लाई कर दिया, और इसको सेव कर दिया दोस्तों। सेव करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मेरे को नीड नहीं है, मैंने इसको सेव कर लिया। क्योंकि अब मुझे यहाँ पर F3 चलाना है इस फ्लावर के अंदर में, F3 प्रेस किया, इस पॉइंट से बनाना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी इसको ऐसे ही बना रहा हूँ जिससे कि आप देख पाएँ, मैंने इसको ओवरलैप करके चढ़ा दिया है, आप उसे सीक्वेंस टूट जाते हैं दोस्तों, लेकिन सीक्वेंस टूट जाएंगे जहाँ जहाँ पर मैं चला रहा हूँ, लेकिन केवल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। जब आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो उस चीज़ को छोड़ के बनाइएगा।
यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके अंदर में ये एक स्टाइल बनाया, आपने देखा मैंने इसको अप्लाई किया था, और यहाँ पे मैंने जो है 5 mm इसका लेंथ रख दिया, 5.0, 5 से भी थोड़ा छोटा कर दे, बड़ा कर देते हैं, 7 mm तक का करते हैं, 7.0, ये मैंने 7 mm का बना दिया दोस्तों। इसमें 5 mm का सीक्वेंस या 3 mm का सीक्वेंस लगाएं अगर हम इसके अंदर में, तो इसको हम 5 mm तक का भी ले सकते हैं, 6 mm 5 mm तक का भी ले, 5.0 कर दिया मैंने। और यहाँ से इसका जो कलर था मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड का माउस बटन दबाया, सीक्वेंस साइज़ मैंने इसके अंदर में इसका 3 mm ले लिया या 4 mm ले लिया, और कलर जो मैं इसमें चाहूँगा वो मैंने इसमें ब्लू कलर कर दिया जैसे। ओके, आप देखेंगे वो कलर ब्लू के, आप देखेंगे इस तरह का सीक्वेंस के साथ में ये स्टाइल बन गया, देख रहे हैं आप सीक्वेंस अंदर है, यानी कि वो चमके, जब शाइन मारेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो ये कलर हो गया दोस्तों, एक बाहर का कलर हम बना रहे हैं। सीक्वेंस की जगह मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ ये, या हाँ ये कर देते हैं, या पिंक कर देते हैं, वो लगेगा, या ऑरेंज कर देते हैं दोस्तों। और सीक्वेंस का कलर मैं ऑरेंज के अंदर थोड़ा अलग कर देता हूँ दोस्तों, 5 mm की जगह मैंने दे दिया 4 mm, और यहाँ पर कलर मैंने इसका दे दिया रेड, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा ये थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ये मैंने एक बाहर का मोटिव बनाया, और ऐसे में इसका फ्लावर का भी बाहर का मोटिव F3 से बना रहा हूँ दोस्तों। जो मैंने स्टाइल बनाया था दोस्तों, आपने देखा कि मैंने स्टाइल किस तरह से उसको एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर, ऐसे करके आप इसके अंदर स्टाइल भी कोई सा भी बना के ऑन स्क्रीन भी बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों रोज़ हम अब बीच बीच में जो जो वीडियो बनाते जा रहे हैं, आपको डिज़ाइन की वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप, हम बहुत छोटा डिज़ाइन बनाते हैं इसके अंदर में, आप इसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा डिज़ाइन बना पाएंगे। पाँच की जगह मैं यहाँ पर 3 mm का सीक्वेंस कर देता हूँ, 3.0। अब और यहाँ से जो मैं यहाँ पे देखेंगे आप, स्टाइल नीचे चला गया, स्टाइल मैंने वो स्टाइल इस्तेमाल किया, और स्टाइल को नीचे करने के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कलर जो है इसका सीक्वेंस का साइज़ 4 mm का कर दिया, और टाँके की लेंथ मैंने 5 mm की कर दी, 5.0, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका स्टाइल बन जाएगा, दूसरा स्टाइल हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया होगा यहाँ पर, तो इसको आप पूरा यहाँ पर लेके जा सकते हैं। इसमें दोस्तों इसके लिए ऐसा आ रहा है क्योंकि आपने देखा एक तरफ में नीचे दब गया, तो हमें इसका एक तरफ स्टार्ट पॉइंट और दूसरी तरफ इसका एंड पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाके ये अपने आप ही और रिवर्स करेंगे तो ये पूरा चीज़ ठीक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या यहाँ से जंप लेके जा रहा है, हम इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट बदलेंगे तो ये दोनों चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाएंगी। ये दोस्तों दूसरा कलर हो गया। तीसरे कलर के अंदर में हम कोई स्टाइल या कोई चीज़ दे देना चाहते हैं इसके अंदर अपने हिसाब से, तो F3 का टाँका लिया मैंने, F3 प्रेस कर रहा हूँ नॉर्मल सीक्वेंस, ये मैंने स्टाइल इसका बंद कर दिया, F3 से मैं अंदर का हिस्सा या बाहर का हिस्सा जो भी चीज़ का बनाना चाहता हूँ मैंने F3 से बनाया। ये अपने आप ही कट पेस्ट होता जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या होता है कट पेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और डायरेक्टली मैं बनाता जा रहा हूँ इसके लिए। कहीं आप सोच रहे होंगे पता नहीं कि डिज़ाइंस कैसे बना रहे हैं,
ये दोस्तों मैंने दूसरा फूल भी कंप्लीट कर दिया, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल जे करके मैंने सारा जोड़ दिया, और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे कर दी 3 पॉइंट वो, और यहाँ पर नया एक स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ से आप एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस सीक्वेंस को अप्लाई कर दिया और सेव कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ से मैंने इसके लेंथ करता हूँ 2 पॉइंट, ठीक है सर दोस्तों, ये मैंने बना दिया दूसरा कलर। यहाँ पे सीक्वेंस का कलर भी दूसरा ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ले रहा हूँ, यहाँ ले लिया मैंने पिंक कलर, और पिंक कलर में जाने के बाद में मैंने यहाँ से सीक्वेंस कर दिया दोस्तों 3 mm के। और सीक्वेंस का कलर मैं कुछ और अगर करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, मैं ये डार्क ग्रीन कलर का ले लिया दोस्तों, इसको ओके कर दिया, आप देखेंगे ये सीक्वेंस का है, तो दो कलर ये हो गए। तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, अब इस वाले पे भी बना देते हैं दोस्तों। F3 प्रेस किया, तो मतलब जितने तरह के आप स्टाइल सीक्वेंस के बना सकते हैं वो सीक्वेंस का स्टाइल बनाते जाइए दोस्तों, और आप उसको अप्लाई करते जाएं। F3 ये मैंने दूसरा स्टाइल भी दोस्तों पूरा कर दिया तकरीबन, इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर दिया, और यहाँ पे लेंथ तो आपके सामने ही है दोस्तों, मैंने कर दिया, और सीक्वेंस का कलर देख ही लिया आपने। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, कर अंडू, इस पॉइंट को पकड़ा मैंने और यहाँ जाके इसको टचअप कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा डिज़ाइन ये भी हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपके, और जंप्स के लिए आप इसको कटर लगाना चाहते हैं कटर लगा लीजिए, आपने इसको ओके किया, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल करने के बाद में यहाँ से आपने ट्रिमर लगा दिया, तो आपकी जंप्स भी इसमें ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ऑल्ट वन करने पे आपकी स्कैनिंग इमेज भी आप देख सकते हैं, नहीं नज़र आएगी। ये सीक्वेंस का स्टाइल बन गया दोस्तों, अब मुझे इसको स्टाइल वो देना है स्टार्ट एंड पॉइंट। मैंने मशीन में डालने से पहले स्टार्ट एंड पॉइंट किया, सेव किया, और यहाँ से जाने के बाद में रिटर्न टू स्टार्ट किया, सेंटर पहुंच गई मशीन। अब बाद में सबसे आखिरी में हम इसमें डिज़ाइन को जब सेव एस करते हैं दोस्तों मशीन में डालने के लिए, तो यहाँ से स्टाइल जो है जब हम इसका ये डालते हैं सेव एस टाइप, टाइप के अंदर हम दोस्तों यहाँ से इसमें SWF TBF में कर सकते हैं, या TBF फॉर्मेट होता है ये, इसमें डबल ट्यून सीक्वेंस के अंदर में ये चलता है, ट्यून सीक्वेंस में ताजिमा TBF और SWF मशीन करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा दोस्तों। SWF मशीन में सेव करेंगे तो ये उसमें सेव हो जाएगा, जैसे आपने ताजिमा में सेव किया, यहाँ से DST में सेव करते हैं, कई लोगों की मशीन DST लेती है, जैसे आप इसको सेव करने लगेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ sunstar.SWF ड्यूल सीक्वेंस मशीन, जब हम इसमें करके इसको सेव करेंगे तो मशीन इस लैंग्वेज को समझेगा और डिज़ाइन को सेम इसी टाइप पे चला देगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विन सीक्वेंस लगा हुआ है, दो दो सीक्वेंस लगे हुए हैं अलग अलग कलर के। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा छोटा सा डिज़ाइन आप लोगों के लिए तैयार किया है, और मुझे आशा है कि इसको देख के आप सीक्वेंस से रिलेटेड चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर यदि आपकी कोई भी इसमें इंक्वायरी हो, वैसे हमने इसका चैप्टर भी पहले किया हुआ है सीक्वेंस से रिलेटेड का, आप उसको भी देख सकते हैं, डेमो वर्जन के नाम से दिया हुआ, और आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट्स करें, हमारे शेयर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।